उत्तर प्रदेश में बढ़ते व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड पिछले कई महीनों से व्यापारियों के उत्थान, समृद्धि, सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में निरंतर कार्य कर रहा है। शुक्रवार को एक स्थानीय होटल में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष पुष्पदैन जैन ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि व्यापारियों एवं उद्यमियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह चौराहों पर पुलिस और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर CCTV कैमरे लगाने के लिए प्रदेश सरकार सब्सिडी मुहैया कराएगी। साथ ही यदि व्यापारी अपनी दुकानों पर चौकीदार रखते हैं तो उसमें भी सरकार सहयोग करेगी। पूर्व में किसी दुर्घटना की स्थिति में अथवा मृत्यु हो जाने पर व्यापारियों को 5 लाख की धनराशि बीमा के रूप में दिए जाने का प्रावधान था, जिसे वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस धनराशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। इसके अंतर्गत बोर्ड का एक प्रतिनिधिमंडल व्यापारी के वहां पहुंचकर स्थिति की जांच करेगा और फिर शासन से उन्हें 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, आज किस संबंध में? आज जो है व्यापार कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश में पहली बार गठित हुई है और यह 22 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार में गठित हुई है। बहुत दिनों से पेंडिंग था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही और महाराज जी ने इस पर पहल किया कि व्यापारियों का हित हो, इसके लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हुआ और इसमें 15 लोगों की समिति है, 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 11 सदस्य पूरे उत्तर प्रदेश में ये नामित किए गए हैं। इनका काम है कि व्यापारियों के हित में कार्य करना और समय समय पर उनके बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना और सरकार और इसके माध्यम से व्यापारियों के माध्यम से उनकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करना। इसमें बहुत सी चीज़ें अभी नई भी इम्प्लीमेंट हुई हैं, उसमें सरकार ने ये जो गठित हुई है उसमें बिजली से संबंधित और व्यापारियों की सुरक्षा से संबंधित, व्यापारी का जो समय समय पर उनके साथ शोषण होता है उस पर भी अंकुश लगाने के लिए बीच में पुलिस वाले लोगों को रोक लेते हैं, सोने चांदी के व्यापारी हैं उनको बीच में रोक लिए, गाड़ियां रोक लिए, चेकिंग में रोक लिए, तो उनको ये अनुमत नहीं है कि वो बीच में रोकें, ऐसा शासनादेश है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो आपके मंडी है, मंडी समिति है, उस मंडी समिति में भी महाराज जी ने जो है बहुत अच्छा काम कराया है कि मंडी समिति में जैसे किसी के दुकान में आग लग गई और कोई व्यापारी जो है रजिस्टर्ड व्यापारी उसके साथ दुर्घटना हो गई, मौत हो गई, कुछ हो गया, तो उसमें 2 लाख और 3 लाख इस तरह से अलग अलग, मौत पर 2 लाख और ये दुर्घटना पर 3 लाख इस तरह से किसी ये वाला जो है ये मतलब स्वीकृत हुआ है। उसके साथ साथ जो व्यापारी हम लोगों के और भी हैं, उन व्यापारियों के साथ अगर कोई कैजुअल्टी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसमें पहले 5 लाख रुपया था लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन इस सरकार में 5 लाख को बढ़ा करके वो 10 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है, जो कि रजिस्टर्ड व्यापारी हैं और उनको अभी हम लोगों ने गौरी बाज़ार में एक दुर्घटना हुई थी, उस कैजुअल्टी में मर गया था व्यापारी, तो उसको 10 लाख रुपये की अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसको मिला था। तो और छोटे व्यापारियों को जो खुंचे वाले व्यापारी हैं उनको भी एक नियम बना करके, अभी तो नहीं है लेकिन एक नियम बनने जा रहा है, उसमें उनको भी रजिस्टर्ड करेंगे और उनका रजिस्टर्ड करके उनको भी पेंशन योजना जो है उनके लिए भी लागू होगी, ऐसा भी प्राविधान ये करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो छोटे व्यापारी जो खुंचे ठेले वाले हैं वो भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे जब, तो उनके साथ भी एक अच्छा व्यवहार होगा, उनको भी सहूलियत मिलेगी। इसके साथ साथ जो उद्योग धंधों में लगे हुए हैं व्यापारी, उन उद्योगों में भी बहुत से जो है फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, उन फैक्ट्रियों में बिजली का पुनः वो चालू करना चाहते हैं तो उनको सहूलियत के लिए, जैसे वो उन्होंने कहा कि हमको पोल का खर्चा फिर से मांग रहे हैं, वायरिंग का फिर से खर्चा मांग रहे हैं, बिजली विभाग और भी अन्य अन्य खर्च मांगते हैं, तो उसमें यह सहूलियत हो गई कि जो है पहले ऑलरेडी इन लोग जमा कर चुके हैं, इन लोगों को दोबारा पैसा इनसे नहीं दिया जाए, इन लोगों को कनेक्शन दिया जाए, ये बहुत बड़ी सहूलियत है। इसके साथ साथ व्यापारियों के साथ जो बाज़ारों में तमाम आजकल
चोरियां की घटना लोगों के साथ डकैती की घटना हो रही है, तो उसके लिए महाराज जी ने कहा कि आप लोग बाज़ारों में और प्रमुख स्थानों पर सीसी कैमरा जो है वो लगाएं और आप व्यापारी लगाएं, उसके साथ साथ सरकार भी उसमें सहयोग करेगी। और एक चीज़ और कहा उन्होंने कि प्रमुख बाज़ारों में और जगह पहरेदार जो है वो अपने नियुक्त करें, तो पहरेदार अपना रहेगा तो अब सरकार के पास इतनी पुलिस नहीं है कि हर जगह वो लगा सके, तो अपनी व्यवस्था करने से ये रहेगा कि हर आदमी को सहूलियत रहेगा और चोर वगैरह जो चोरी घटनाएं हैं उस पर अंकुश लगेगा। ऐसा मतलब जो है सरकार की तरफ से प्राविधान हुआ है और हम लोग अधिक से अधिक व्यापारियों के हित में कार्य करने के लिए तत्पर हैं। और हम लोग जिलों जिलों में भी जा करके जो व्यापारिक समस्याएं हैं उसका भी निराकरण कराएंगे। इसके साथ साथ जो है अभी सरकार जो है वो अधिकारी और कर्मचारी इनका भी जो है ऑनलाइन अभी जो शिकायतें हैं इनको आदमी जो है ऑनलाइन वो अपना दे सकता है उनकी शिकायत साक्ष्य के साथ में, ऐसा भी प्राविधान होने जा रहा है। अभी हुआ नहीं है लेकिन जल्द स्थापना हो जाएगी इसकी, वो भी करने जा रहे हैं। ऐसा ही इस तरह से बहुत सी बातें हैं जो सरकार काफ़ी इस पर काम कर रही है, महाराज जी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो जल्दी इस पर काम होगा और उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की सुरक्षा के लिए अच्छा कदम उठाएंगे महाराज जी, ऐसी हम लोगों की भावना है और हम लोग भी इसमें पूरा अपना सहयोग प्रदान करेंगे।